नमस्कार, मैं हूं सर्वेश दुबे और अयोध्या पर्व के हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं यहाँ पर कौशल्यानंद गिरी और टीना माँ, और इसके साथ ही साथ हम उनके सेवक हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से उत्साह है। रामलला विराजेंगे, यहाँ पर रामलला की मूर्ति है, रामलला की मूर्ति के साथ ही साथ यहाँ पर त्रिशूल है, इसको लेकर यहाँ पर सभी लोग मौजूद है। और एक वातावरण है कि 500 वर्षों के बाद वो घड़ी आ रही है कि जबकि अयोध्या में श्री राम लला अपने गर्भगृह में विराजमान होने जा रहे हैं, जयकारे लगाए जा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर उत्साह का पूरी तरह से माहौल है कि यहाँ पर किस तरह से उत्साह है। हम बातचीत करेंगे खुद महामंडलेश्वर है, ये बताइए कि अयोध्या में भगवान राम 500 वर्षों के बाद विराजमान होने जा रहे हैं, किस तरह की खुशी आप लोगों में है? जी, हमारे किन्नर समाज में बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ हम लोग आज ये दिन हम लोग भजन कीर्तन गा रहे हैं, क्योंकि राम भगवान 500 साल बरस तक एक कुटिया में एक पंडाल में थे। आज राम भगवान राम लाला के भव्य मंदिर बन रहा है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य। हमारे बहुत सारे कार सेवक लोग, हमारे जो पूर्वज लोग ने अपना जान के होती दिए हैं राम भगवान के लिए। राम भगवान हमारे राष्ट्र राष्ट्र के प्रतीक है, राम भगवान सनातन धर्म का प्रतीक है। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज 22 जनवरी को राम लाला के प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। देखिए, हमारे किन्नर समाज में बहुत हर्ष उल्लास के साथ हम लोग इस खुशी को जाहिर कर रहे हैं। और मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ, जैसे राम भगवान 14 बरस वनवास काटे थे, तो हमारे किन्नर माताएं भी 14 बरस राम भगवान को जब छोड़ने आए थे सरजू जी के तट पे, तो 14 बरस तक राम भगवान ने बोले कि नर भी जाए नारी भी जाए, और किन्नरों के लिए उनका आदेश नहीं था। तो किन्नरों ने भी, हमारे जितने किन्नर माताओं ने भी 14 बरस वनवास में काटे थे, तो 14 बरस वो राम भगवान जब वहाँ वनवास से लौटे तो किन्नरों को आशीर्वाद मिला था। और हमारे गोस्वामी जी ने अपने चौपाई में भी लिखे, देव दनुज किन्नर नर श्रेष्ठ। बहुत सारे मुगल शासन आया, अंग्रेज शासन, अंग्रेजों ने हमारे देश पे कब्जा किया, शासन किया, तो हम किन्नरों का अस्तित्व खत्म हो गया। जैसे राम भगवान के लिए दुर्भाग्य की बात था कि उनको भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट से नालसा जजमेंट पारित हुआ। वैसे ही किन्नरों के लिए भी जजमेंट पारित हुआ, तब जाके हम लोग के समानता का अधिकार मिला। वैसे ही राम भगवान के आज भव्य मंदिर बन रही है, भव्य मंदिर बन रही है। यहाँ पर आपके हाथों में प्रतिमा भी है, भगवान राम दरबार है, रामचंद्र जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, माता सीता हैं और हनुमान जी हैं। तो किस तरह के मन में उत्कंठा है कि दर्शन करने जाएं वहां पर? अब भगवान राम लला 500 वर्षों के बाद उनका भव्य मंदिर तैयार हो रहा है, उसमें विराजमान होने जा रहे हैं। हम लोग सब बहुत उत्साहित हैं कि हमारे रामलला जो विराजमान हो रहे 500 वर्षों बाद, जो एक छोटी सी कुटिया से अब जज हमारे भव्य जो राम मंदिर बन रहा है। हम लोग पूरे जो किन्नर समाज है, पूरे हमारे भारतवर्ष या पूरा देश सब उत्साहित है, पूरा उत्साहित है। हम लोग के लिए बहुत बहुत बड़ा ये जो गर्व की बात है कि हमारे जो भारतवर्ष में जो हमारा राम मंदिर बन रहा है, बहुत बड़ा हमें गर्व की बात है, इसलिए हम बहुत उत्साहित हैं। बहुत उत्साहित है। ये बताइए कि आप लोग तो भगवान राम को लेकर गीत भी गाते हैं, क्या गीत है, क्या गीत सुनाएंगे भगवान राम को लेकर, जब भगवान राम आने वाले हैं, विराजमान होने वाले हैं अपने गर्भगृह में? जी, भजन गाने हैं। भजन गाइए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं।
मिठा दो अपनी पलकों को, मिठा दो अपनी पलकों को, मेरे घर राम आए समाज है वो अपने आप को मानता है कि भगवान राम का पालना उन्होंने किया था। और जैसा कि बताया कि जब राम वनगमन जा रहे थे तो उन्होंने नर और नारी को तो कहा था कि वापस लौट जाएं, लेकिन किन्नरों को नहीं कहा, तो इसीलिए किन्नर 14 वर्ष तक भगवान राम का इंतजार करते रहे, यानी किन्नरों ने भी 14 वर्ष का वनवास भगवान राम के साथ भोगा है। कुछ और लोगों से बात करेंगे, बताइए कि भगवान आ रहे हैं 22 जनवरी को, वो क्षण आएगा जबकि अपने गर्भगृह किस तरह की खुशी है। हम लोग को बहुत खुशी का और सौभाग्य का दिन आया है कि हमें अवसर मिल रहा है कि राम भगवान का ये शुभ कार्य करने का। तो जब दुनिया कर रही है तो हम लोग भी क्यों नहीं करेंगे। श्री राम भगवान का ये बहुत बड़ा अवसर मिला हम लोग को। बोलो जय श्री राम। और भी कुछ लोगों के पास चलेंगे, बताइए कितना उत्साह है, भगवान राम विराजमान हो रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारा किन्नर समाज भी बढ़ चढ़ के इस उत्साह में शामिल हो रहा है, और बहुत ही खुशी हो रही है हमें भी कि हमारे रामलला वापस आज 500 साल बाद आज अपने घर आ रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जीर्णोद्धार हो रहा है उनका मंदिर, बहुत खुशी है हमें। किस तरह का उत्साह है लोगों में आप देख रहे हैं। गुरु जी एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा, किस तरह से आप लोगों ने तैयारी की है वहां जाने की और वहां पर दर्शन पूजन की। जी, हम लोग ने भव्य तरीके से तैयारी कर रखे हैं, पूरा किन्नर समाज उत्साही है। और मैं सभी हमारे देशवासी को ये अपील करती हूँ कि जिस दिन राम मंदिर राम लाला का जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, सब कोई अपने अपने घर में दीप जला के दीपावली मनाइए, क्योंकि ये बहुत सालों के बाद ये अवसर मिल रहा है, बहुत इंतजारों के बाद। और हमारे बहुत सारे बुजुर्ग लोग ने, हमारे बहुत सारे हमारे कार सेवक भाई लोग ने अपना जान के आहुति दे के ये दिन आया है, ये आया है। बहुत खुशी का क्षण है, बहुत हर्ष का क्षण है। सभी एक एक जना को, एक एक हमारे देशवासियों को मैं कहती हूँ कि इस 22 जनवरी को सब कोई आए और सब कोई अपने अपने घर में दीप जलाइए। दीप देखिए, आरती भी शुरू हो गई है, भगवान श्री राम की यहाँ पर आरती उतारी जा रही है और जो मंगल गीत गाए जा रहे हैं, यहाँ पर मंगल गीत भी गाए जा रहे हैं। आप लोग मंगल गीत गाए कि किस तरह से यहाँ पर आरती हो रही है, और आरती के साथ ही यहाँ पर आरती हो रही है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। चारो नम श्री राम चंद्र कृपाल बज भवन भव भय दारो नम नब कंज लोचन कंज मुख पद कंज कंजारो नम दीन बंधु नम श्री राम चंद्र कृपाल भजवन पवन भव भय दारुणम नम कंचन। तो देख सकते हैं कि किस तरह का उत्साह किन्नर समाज में है। भगवान रामलला 22 जनवरी को विराजमान हो रहे हैं, लेकिन ये जश्न, ये उत्साह किन्नर समाज में भी है। किन्नर समाज उन्हें अपना भगवान मानता है और खुद को सेवक मानता है, और यही वजह है कि जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, उनकी आरती उतारी जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि 22 जनवरी को जब अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे तो इसी तरह से यहाँ पर जश्न मनाया जाएगा और दीपोत्सव का त्योहार भी पूरी तरह से मनाया जाएगा। सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। गीत करा दीजिए, गाओ गीत कराइए, भजन कराइए। हटाक से श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे राम।
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम कहानी सुनो रे राम।